तो यजुर्वेद में क्या होता है उसमें जो एकता होगा जो ये आपको होना चाहिए संतुष्ट होना चाहिए राजा घमंडी नहीं होते दूसरा वेद क्या हुआ ना ना वो तो सद्गुण रजोगुण के प्राकृतिक गुण जैसे आपके शरीर में जो प्राकृतिक में गुण दिया है उसमें सत्व गुण मतलब आचरण सही स्वच्छ आचरण वाले को सत्व गुण कहते हैं रजोगुण राजा में सब गुण होइ छै ककरो दबावे के भी ककरो बनावे के भी आ तमो गुण भेलै निश्चर के गुण में खाली अशिष्टता ही तमो गुण जकरा पास है पान रहन सहन सारा अशिष्ट लोग के तमो गुण होइ राक्षस प्रवृत्ति हुआ वो आत्मा लेकर भोजन के प्रवृत्ति देखी जो सतुगुण के भेलै ओ माने एकदम शाकाहारी रहतै सादा भोजन करतै ओ सतुगुण के लक्षण भेलै रजोगुण भेलै जे माने एक से एक प्रकार के माने व्यंजन बढ़िया बढ़िया आ तमोगुण के लक्षण भेलै खान पान के बासी सरल खूब गरम खूब की कहै छै कि खाय के कोई टाइम टेबल ना खाय के खूब तेल मसाला खूब अथी माने कोई समय नहीं जब मन में आया अपना खा लिया हुआ तमोगुण का लक्षण उसी तरह रहन सहन में भी तमोगुण के लक्षण में एकदम 1% भी भलाई के लक्षण ना है उनमें सारा लक्षण है दूसरे के नुकसान दिए वाला भगवान कहलक सतो गुण में दोसर के भलाई करे वाला रजो गुण दोनों है मतलब अपन प्रजा के बचावे के दोसर के परेशान भी करे वाला गुण है रजो गुण शाम दान दंड भेद हर चीज ओकरा में अबै छै शाम दान दंड अपना के बचावे से हर तमो गुण है जो केवल दूसर के नुकसान करे के ही वो दूसरे का भलाई कभी नहीं कुछ ककरो बुराई सुनते तो खूब खुशी होते ककरो भलाई सुनते तो अच्छा जगह पर लोग परिवर्तन जहाँ हो रहा है अपना से सबको नीचा समझना यही उसका लक्ष्य और एक कौन सा है आगे आगे फिर कौन सी है कौन सी खबर बद्रीनाथ चार धाम है बद्रीनाथ उत्तरांचल में रामेश्वर तमिलनाडु में द्वारिका गुजरात में जगन्नाथपुरी उड़ीसा में ऋतु कै गो है ऋतु ऋतु तो चार गो ना वसंत छो गो हाँ बोलिए तो याद हो हम लोग भर सके इंग एगो सा विंटर हो गया विंटर विंटर के जस्ट बाद स्प्रिंग आएगा वसंत ऋतु उसके बाद गर्मी आएगा ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म ऋतु से वर्षा ऋतु शरद ऋतु जो अभी शरद ऋतु चला चल गया है अभी ठंडा में हम लोग घुस शरद ऋतु के तीन गो मतलब ठंडा के दिन में तीन गो एक डेढ़ महीना पर चले अब बसंत ऋतु हो चैत वैशाख गर्मी ऋतु हो जेठ आषाढ़ वर्षा ऋतु हो सावन भादो शरद ऋतु आश्विन कार्तिक हेमंत ऋतु माघ अघन पुष होते हाँ मार्ग शीर्ष मतलब अघन के कहते शरद ऋतु शिशिर अथी है माघ फागुन बसंत ऋतु नहीं माघ फागुन लोग बसंत के पहले वाला माघ फागुन ऋतु चैत में शुरू हो बसंत चैत वैशाख गाने वाले लोग जो है उसको एक मास आगे धागे न हो बात बसंत ऋतु जहिया बसंत पूजा हो जहिया हाँ बसंत पंचमी पड़ी बसंत लेकिन तहिया आयल न रहे ओकर बाद अबै छै फरवरी के लास्ट में और मार्च के इसमें अगवानी करै छै सरस्वती पूजा अगवानी करै लेकिन इसमें भी जो है इसमें जितना जो है ये हम लोग को पूछता है एक पूछता है जो वसंत ऋतु का कब से कम है और ये जो मतलब कब से मतलब उसका समय जो है इस हम लोग को एग्जाम में पूछता है इसीलिए आपसे मतलब इस पर डीप दिए इस पर डीप में ये है जब अंग्रेजी में ना मैंने हम ना ना इतना नहीं है वो सीधा वो डेट दे दिया 23 मार्च इतना बार गर्मी चढ़ता वसंत ऋतु इतना डीप में गलत आंसर देगा जी आंसर गलत तू अथी में इंटरनेट जनवरी फरवरी में न्यूज देगा किसी को आंसर देगा ये हिंदी संविधान से ना बना हुआ है तू अगर ये कभी जेठ पड़ जाता है अप्रैल
कभी पड़ेगा मन कभी दो चार दिन जूनों में चल जाए जूनों में चला जाए ये सही नहीं है। ये ऋतु के लिए ये जो जिस हिसाब से बना हुआ है जो ये भारतीय समझ से बना हुआ है तो इस हिसाब से ही तुमको बताना होगा। उसी हिसाब से बसंत ऋतु चैत वैशाख बसंत ऋतु इंग्लिश में इसको सेट करो लेकिन करना पड़ेगा। हाँ इंग्लिश में सेट करके लेकिन इसी हिसाब से। और एक बार पूछता है बताना होगा दोनों जैसे संस्कृत के प्रवचन जब होता है संस्कृत में तो हिंदी बताते हैं ना तो ये हिंदी प्रश्न है अगर इंग्लिश में बताएगा तो हिंदी से तुमको सत्यापित करना पड़ेगा ट्रांसलेट के साथ सत्यापित नहीं करना तब तो सामने वाला समझेगा संस्कृत में आप कहे जी 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 हाँ उसका रूपांतर कीजिएगा ना जी 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 वही बात है इसमें अंग्रेजी में आप बोल दिए ठीक है लेकिन उसको फिर हिंदी में आपको अब समझाना। और एगो पूछता है जो हिंदू पंचांग के चैत शुक्ल पक्ष कौन सा मतलब महीना दिन से वो स्टार्ट होता है ये भी क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन हम लोग का साल शुरू होता है में नहीं हम लोग का मार्च में अप्रैल उसी दिन होता है उसी दिन जैसे फागुन होलिका दहन के सुबह में नया साल हो जाए होलिका दहन के रात में होलिका दहन जी 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 सुबह में वही हम लोग नया साल सतुवानी से सतुवानी से पहला बैसक बंगाल मनवे चैत कृष्ण पक्ष एक से शुक्ल पक्ष न चैत कृष्ण पक्ष एक से हमारा भारतीय संवत शुरू होता है चैत कृष्ण पक्ष प्रतिपदा एक के कहल जाए प्रतिपदा हिंदी में आपको उसका अथी करना पड़ेगा तब आप सही होंगे। ऐसे अंग्रेजी में कह देने से एक के हिंदी कथी बोले आपका एक के हिंदी कथी बोले एक हाँ सीधे एक लिखवाई तो सीधे ना ना बोला ना कहल जाए छे प्रतिपदा प्रतिपदा द्वितीय तृतीय ऐसे चलो पहला दिन को प्रतिपदा कहते हैं उसके बाद द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी हम लोगों का जो भी तिथि है वो हिंदी से चलता है। पूजा पाठ जो आप करते हैं उसका दंड भेद ये सब जो है इतना बजे के बाद इतना बजे पूजा का मुहूर्त है इसके बाद नहीं होगा एक मिनट देखे अलग खाली संस्कृत में ही अनुवाद अथी चौपाई श्लोक यदि पढ़ते रहे पंडित एक सीमेंट पर फैल रहा सीमेंट वाला जे अथी है ना ओकरा पर जे फैल रही थी सीमेंट में तो पानी जब रह तब ना बरियार भले पानी तो ओमे है ना जितना चीज है ना बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये सब तक खोजत रहिए मतलब अच्छा ई वाला संस्कार के तनी मतलब हमरा समझा दो तो गर्माधरम पुष्णम संस्कार फिर प्रातः स्मरणीय गंगा कावेरी यमुना ये वाला भी पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार संस्कार ठीक गर्माधान पुंसवन गर्माधान के मतलब कहते हैं गर्भ में जब बच्चा स्थापित हो जाता है गर्माधान आई पुंसवन पुंसवन जी जन्म होना उसके उसके बाद सीमांतो उपनयन सीमांतो नयनन उपनयन सीमांतो नयन चले उड़े लगे नामकरण जातिकरण जातिकरण तीनों के बाद जातिकरण मतलब कौन जात में भेलै नामकरण एकर कथी मतलब निष्क्रमण हम
स्मरण न होगा नहीं। अच्छा माने एक बेसिक नॉलेज तो इतना अनुप्राशन अन्न जरिया से बच्चा पहले खिया जाए पंडित जी के बुला कर अथी कर अनुप्राशन चूड़ा करम बच्चा जब पलटने लगा उंगली चाटने लगा गर्भाधान के पूर्ण स्मरण मतलब जन्म सीमांतो नयन मतलब जाति कर्म हो गए नामकरण हो गए उलटने पलटते अन्नप्राशन मतलब भोजन चूड़ा करम पहले ही राजस्थान आर मध्य प्रदेश आर में देखो गुजरात में रामचंद्र जी के है ना कर्ण भेद हो गया यज्ञो पवित्र मतलब जनऊ यज्ञो पवित्र हाँ ये से यज्ञो पवित्र कथी जनऊ तो जनऊ के कहे यज्ञो पवित्र वेदारम उसके बाद इतना कर्म करने के बाद आप वेद के अध्ययन तो अपना के ना कहे पढ़े ले भेजा इतना कर्म कैला के बाद स्कूल में इतना कर्म करने के बाद शांति समा बर्तन आवास अध्ययन श्रेता धान मतलब अंतिम में संस्कार के कोई अंत ना है संस्कार में इतना इमेचोर में 16 गो संस्कार 16 संस्कार होई छे और 16 संस्कार के अलावा भी लोग अलग से भी कहे छे संस्कार माने जे का सब मिक्स सब गुना के रूप है दुर्गा जी के नव रूप है हां अच्छा एगो उन्हें अच्छा से रख के कर रहे हैं ना ये बहुत जरूरी हमरा जे दो तीन बार पूछ देल कम फंस गए लिए हने में पेपर ना पढ़वे तो फसबे ना करबे रेगुलर पेपर पढ़ रहा है तो पेपर ये कमजोरी मिटवा के ये चीज में फंस जाए वो लेकिन ये सब तो कुछ इनमें से 50% तो लुक जाना चाहिए से दे दूध के नाम बना दे बता दे तो फटफट चिढ़ावे लगी कह गई इसको 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 देखो ना इसको कुछ आता है क्या है बता दे हम हिंदी दिवस इलाहाबाद में मीडिया पूछक रहे टीवी पर एगो से पूछ लगे विद्यार्थी रह दिए थे कहे अच्छा ये बताओ कै गो महीना होता है साल में फागुन नहीं जना पाया होगा सावन फागो लगे गलत फागु तेईस बैसाख के बाद सावन भागे बीच वाला कहाँ चला है जे यूज करके अंग्रेजी गलत है बताइए जहाँ हिंदी का जन वहाँ का हिंदी का आज तक ही हिंदी दिवस के अवसर पर दिल कह रहा छः गो स्कूल में ओकरा की कहै छी स्वर अभ्यंजन न मास्टर बता विद्यार्थी न मास्टर न बता छठा में जाके एगो कहलक आई अंग्रेजी तोरा खत्म होय वाला न हो यार बढ़ गेले ई तो और बढ़ गेले ई तो तनी कोनो कोन सरकार बंगाल में दुई हम शुरू में गेलिए रह 80 में वहां खाली बंगला अंग्रेजी हिंदी के कोनो नाम ही निशान नहीं लेकिन तो एन्ने आगे जैसे हिंदी के भी माने सब के रख लिया अच्छी सुनिए एक आधा घंटा मैं सब सिखा देता हूँ इतना तोड़ा रख लिया बहुत हमरा मोबाइल से बेटा यही फायदा कराएल कि रामायण देखा दिल देखो रामायण तनको सुनो तनको मन को जबरदस्ती अभ्यास करा ली सुनिए सक्षम के कल हमारे एकदम रही गड़बड़ा हमारा बुझाएल भगवान के जब भगवान आइए आई छुट्टी लो रहा है कल बुआ हिम्मत करेगा तो केना तो पढ़े 10-20 पन्ना पढ़ल बीच बीच में माता जी कहीं हेल्प कर दे।